मोस्टली चैप्टर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, बचे हुए एक दो टॉपिक हैं, दो चैप्टर और एक टॉपिक और हमको पढ़ाना है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं कि आप अपना कंटिन्यू जो पीछे के चैप्टर्स हैं उनका बैकअप लेते रहें, उनको रिवाइज करते रहें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, ये मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि उस न्यूमेरिकल्स को आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। लेकिन रिविजन स्टार्ट रखें, क्योंकि लॉकडाउन का एक लंबा समय बीतता हुआ जा रहा है और हमारी स्टडी जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी वो घर बैठने की वजह से कितनी हो रही है ये तो आप ही लोग जानते होंगे। लेकिन उम्मीद करूंगा कि सब अपने काम पे लगे होंगे, घर पे हैं, आराम से हैं, परिवार के साथ रहते हुए अपने टाइम को स्पेंड करें, लेकिन साथ में पढ़ाई कंटिन्यू हो। जहाँ भी ज़रूरत हो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसकी फैसिलिटी आपके पास है ही है तो उसका यूज़ करें। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ ताकि रिदम बना रहे और आपको बोरिंग ना हो और ऐसा ना लगे कि पीछे का कैसे रहे, तो उसका ध्यान रखते हुए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है समतल। अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस हो चुका था, आज हमारा प्लेन की बात होगा। समतल को जानते ही है, समतल क्या होता है कि जैसे यदि हम किसी पृष्ठ पर दो बिंदुओं को लेकर के एक रेखा बनाए और रेखा का पूरा हिस्सा उस पृष्ठ पर हो तो उसको हम लोग समतल कहते हैं। डेफिनेशन वगैरह का यहाँ पर रोल नहीं होता है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और सीधे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखते हैं फार्मूला क्यों, क्योंकि फार्मूला मस्ट है, विदाउट फार्मूला हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस पे मैं बार बार फोकस करता हूँ और आपको भी टेंशन देता हूँ कि आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो उस कंटिन्यू करते हुए जो हमारे फार्मूले हमने लिख रखा है कुछ और भी लिखते हैं। पहला फार्मूला है समतल का व्यापक समीकरण, ax + by + cz + d = 0। जितने भी हमारे हैं पॉइंट x y z समतल पर हैं तो a b c कांस्टेंट है, d आपका इज इक्वल टू 0, जहां a b c समतल के अभिलंब दिक् अनुपात हैं। वहां पे भी हम लोग पॉइंट इन स्पेस में भी दिक् अनुपात ज्ञात करते थे। तो यहां पे जब भी बात करेंगे न्यूमेरिकल में दिक् अनुपात की तो हमको मतलब a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभिलंब रूप lx plus my plus nz is equal to p अभिलंब का समीकरण करेगा, तो जहां p मूल बिंदु से समतल की लंब दूरी है। अभिलंब क्या होता है, जैसे अगर आप किसी समतल पर उस रेखा को खींच रहे हैं तो समतल की पृष्ठ समतल के हर एक रेखा पर वो जो रेखा हमने खींचा वो क्या लंब के रूप में वो अभिलंब कहलाता है। अंताखंड रूप, अंताखंड का मतलब जो हमारा ये पहला समीकरण व्यापक समीकरण, इसमें से जो हमारा कॉन्स्टेंट है डी इससे हम पूरे में हटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, जहाँ एक BC समतल द्वारा x y z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। बिंदु अगर हम चेंज करते हैं, अगर कोई हमको पॉइंट दिया हो कि इस बिंदु से गुजरने के कारण समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए कि इस बिंदु से गुजरते जा रहा है, तो जैसे कुछ भी दिया होगा तो वो हम उससे टैली करेंगे, फॉर्मूला होगा एक बिंदु एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से गुजरने वाले समीकरण। तो a अपनी जगह रहेगा जहाँ x है वहाँ पे x माइनस एक्स वन प्लस b अपनी जगह y की जगह y माइनस वाई वन प्लस c z की जगह z माइनस जेड वन प्लस d इक्वल टू 0, तो d को 0 कर लेते हैं, कांस्टेंट है। कैसे करते हैं वो इसमें दिया हुआ मूल बिंदु से ऊपर जाने वाले समीकरण का सम ax + by + cz = 0। अब यहाँ पे होता है जैसे मूल बिंदु से गुजर रहा है तो समीकरण में हमारे मूल बिंदु क्या होंगे x y z है, तो x = 0 y = 0 z = 0। अगर हम x y z की वैल्यू यहाँ रख दें इस समीकरण में तो ये पूरा तीनों जीरो, तो d = क्या मिलेगा 0। तो वही d = 0 को मान अगर उठा करके यहाँ से रख दें तो ax + by + cz = 0, जो कि हमारा यहाँ पर है। क्लियर, कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं, बस फिर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तीन बिंदु x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 से ऊपर गुजरने वाले समतल का समीकरण, अभी हमारा था एक बिंदु से, अभी हमारे पास तीन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट प्रोसेस में चले जाते हैं। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, इसी तरह y का y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको न्यूमेरिकल में जब आएगा सॉल्व करेंगे, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वज्रगुणनखंड मेथड होता है, न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे उस मेथड की भी बात करेंगे, इसको आपको सरल लगेगा तो इससे कीजिएगा, उससे रिलेट तो उससे करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के समतल के समांतर समीकरण, तो के इज इक्वल टू 0। दो समतलों के परिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो दो समतल है तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी प्लस लैम्डा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू होना चाहिए यहाँ पर, जिससे यहाँ पर तो यहाँ x नहीं तो x = 0 करेंगे। x z तल की बात करेगा
तो यहाँ पर यस ऑब्जेक्ट है लेकिन वाई नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे, यक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण है, तो अब यहाँ यक्स अक्ष की बात करेगा तो यक्स वाला पद नहीं है, बी वाई सी जे प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। वाई की बात करेगा तो यहाँ पर वाई वाला गायब कर देंगे, यक्स और जेड रहेंगे, और जेड वाले की बात करेगा तो जेड वाला गायब कर देंगे, यक्स और वाई रहेगा। फिर नेक्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए, जैसे लास्ट चैप्टर में फाइंड कर रहे थे तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, उसी तरह इसमें भी होगा, दो समतलों के बीच का कोण अगर हमसे पूछता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन एल टू एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू अपना उस पर सॉल्व कर देंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, वहाँ पे भी एक फार्मूला था हमारा ए वन ए टू का था, तो सेम फार्मूला है जैसे कि वहाँ था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट में ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अवलंबों के देखा था। जैसे उसमें एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहाँ पे भी पूछा था साबित सिद्ध कीजिए कि परस्पर लंब है या परस्पर समांतर है, तो सेम यहाँ पे भी है, चाहे a1 a2 लेके चले चाहे l1 l2 m1 m2 m1 m2 इक्वल टू जीरो, लंब की कंडीशन होगी और समानता के लिए कहेगा तो l1 upon l2 plus m1 upon m2 इक्वल टू n1 upon n2। डिस्टेंस x y x1 y1 z1 से समतल ax plus by plus c z plus d इज इक्वल टू जीरो की लंब दूरी, तो p इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus cz1 upon plus d upon root में a square plus b square plus c square। दो समतलों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू के बीच की दूरी, तो कैपिटल डी होगा डी वन माइनस डी टू अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन है बिंदु जीरो कॉमा माइनस वन से गुजरने वाले समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जैसे फार्मूला देखा था उसमें दिया था किसी बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो बस उसी फार्मूले पर जहाँ x1, y1, z1 है वहाँ पे क्या कर देंगे 0, माइनस वन माइनस वन। तो क्योंकि फार्मूला हमारे पास है बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समीकरण का फॉर्मूला क्या था हमारा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू, क्लियर। तो जो दिया हुआ है हमारा बिंदु x1 y1 z1 से तुलना कर देंगे तो ये हमारा x1 y1 और z1, तो चूंकि x1 is equal to 0 y1 is equal to minus 1 and z1 is equal to also minus 1, hence a x minus 0 plus b y minus और minus minus plus 1 हो जाएगा, c z और z1 की जगह माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी प्लस सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स वन वाला जो फार्मूला है उसी से चलेंगे, बिंदु एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से जाने वाले समतल का समीकरण, फॉर्मूला अभी हमने लिखा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो चलता है हमारा, तो सिंपल सा होगा यहाँ पे एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस y माइनस वन प्लस सी जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस समीकरण को लेके चलेंगे और इसी फॉर्म में लेंगे क्या समीकरण नंबर ए, ये समीकरण नंबर एक हो जाएगा। अब जो हमारे दो बिंदु हैं वन टू वन वो हमारे समीकरण एक से गुजरेंगे, तो समीकरण एक से गुजरने वाले
बिंदु का समीकरण, बिंदु हमारा आ जाएगा 1, 2, 1, इससे जब लेंगे ए 1 - 1 + b 2 - 1 + c 1 - 0 = 0, ये हो जाएगा ए इंटू 0 + b 2 - 1 + c 1 - 0 = 0, तो हमारा समीकरण हो जाएगा ए 0 हो गया तो b + c = 0 समीकरण नंबर, या हम इसको उसी तरह के लिए चले तो भी हमारा, लेकिन जो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला कहता था अगर हम उस तरीके से बना रहे हैं तो दोनों में आप इसको इतना ही रखते हैं, ठीक। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से बिंदु हमारा क्या है, -2, 2 और -1, इसके लिए समीकरण लेंगे तो 1 - 2 - 1 + b 2 - 1 + c 1 और -, यहाँ पर रखना है तो जहाँ जेड है वहाँ पर रखना है, तो यहाँ क्या है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 - 0 = 0 समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण हमारे बन जाते हैं, इन तीन समीकरणों की हल से हम मॉडल करेंगे इसको, तो अब क्या है ये जो दो तीन समीकरण बने थे इसको हम थोड़ा सा सीरियल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू 0 है प्लस बी, तो 2 - 1 ही रहने दीजिए, चाहे सॉल्व कर लेते हैं तो बात वही होगी कर रहते हैं हम लोग, तो b + c = 0 इसे लिख सकते हैं, मीन्स b + c = 0 समीकरण नंबर 2 यहाँ देते हैं, सिंपल सा हो जाए। फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो -3a + b + c = 0 समीकरण नंबर 3। ये तीनों समीकरण हमारे जब बन जाएंगे तो समीकरण जो 3 को हल करेंगे, अब यही समीकरण 2 और 3 को हल करने के लिए एक मेथड हमारा था जो हम लोग चल रहे थे फार्मूले में, x - x1 y - y1 z - z1 इस मेथड से चल रहे थे। अब यहाँ पर जैसे x - x1 है तो जो अभी हमने इसके पहले समीकरण रखा था जिसको कि अभी हमने रफ किया उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता, जिस फॉर्मेट में वो था उस फॉर्मेट में यहाँ पे जैसे यहाँ 0 था तो 1 - 1 था तो यहाँ पे आ जाता 1 - 1, यहाँ पे था -2 - 1 तो यहाँ हम लिख देते -2 - 1। अभी हमको इस मेथड पे नहीं चल रहा इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, हमने हटा करके फिर से लिखा था, ठीक। तो हम चल रहे हैं अभी सिंपल सा बजरंग विधि से जिससे कि हमारा मेथड थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो समीकरण 2 और 3 को हल करें, तो यहाँ पर चूंकि कोफिशिएंट हमको क्या मिल रहा है ए बी सी, तो हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे ए की जगह हमारा 0 है तो ए अपॉन करेंगे, और जब भी बात करेंगे ए की बात करेंगे तो जैसे सारणिक में लेते हैं ए वाला छोड़ के, तो सपोज करते हैं अगर यहाँ पर मतलब 0 है लिख लेते तो 0 के नीचे ए है तो इसको छोड़ देंगे, अब बी वाले का लेंगे यहाँ 1 और इसका मल्टीप्लाई 1 से तो 1 × 1 = 1, फिर अगले का हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस लगाएंगे, फिर सी का करेंगे 1 × -1 - 1 तो -1 + 1, इसी तरीके से b बराबर, अब b का लेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, b है तो b के बाद c का लेंगे, तो अब जैसे c है यहाँ पर तो c का मल्टीप्लाई यहाँ आगे वाले से होगा तो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है -3 तो 1 × -3 - 3, और अब a वाले का लेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 सी अपॉन, अब सी के बाद क्या आता है ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, तो अब ए पर आएंगे तो ए इंटू बी होगा, जब ए इंटू बी होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे चलेंगे तो सी है तो इसका जब आएगा तो बी और इसका क्या हो जाएगा बी से, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 = 0, क्लियर। तो इसको साइड में करके देखते हैं आपको फिर समझाने के लिए, 0 + b + c - 3a + b - c जब लेंगे इसको ले रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 यहाँ सॉरी माइनस 1 कर दीजिए, और इसका करेंगे 1 और यहाँ पर प्लस और प्लस का ये हो जाएगा प्लस और 1 - 1 देखिए
अलग से कर देने से आपकी एक जो प्रॉब्लम समझ में होती है वो सॉल्व हो जाती है कि कहीं मिस्टेक ना हो। फिर इसी तरीके से बी वाले पे आएंगे तो बी वाले को छोड़ देंगे, बी वाले को छोड़ दिया, बी के बाद क्या आता है हमारा सी, तो अब सी का लिख करेंगे तो सी का वन और यहाँ माइनस थ्री तो माइनस थ्री, और फिर ये ए और ये जीरो तो यहाँ जीरो से ही। अब सी वाले पे आएंगे सी वाले को छोड़ देंगे, जब सी वाले को छोड़ेंगे तो जीरो इंटू बी जीरो, और माइनस तो माइनस यहाँ पे वन माइनस थ्री है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का थ्री, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो जब अगर कहीं डाउट हो तो उसको साइड में इस तरीके से करके आप कर ले, तो कहीं भी क्योंकि सारणिक बनाएंगे तो वहां पर हमारी चीजें दिखती हैं, लेकिन अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे साइड में करके सॉल्व करेंगे रफ में पहले, तो अगर मिस्टेक होने के चांसेस होंगे तो वो भी हमारे कम हो जाएंगे। और ये छोटा सा मेथड है सॉल्व करने का, इजी मेथड है, बस हमको इस पैटर्न को थोड़ा सा साइड में कर लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम पहले चलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी हो रहे थे। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सिक्वल लैम्डा, तो हमें अगर हम यहाँ से निकालते a इज इक्वल टू माइनस टू लैम्डा, b इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री लैम्डा, और c इज इक्वल टू थ्री लैम्डा। क्लियर, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं abc के मान मिल जाएंगे। अब इस abc के मान को समीकरण एक में रख देंगे, a कॉमा b कॉमा c का मान समीकरण एक में रखने का, जब समीकरण एक में रखेंगे तो जहां पर ए बी सी है माइनस टू माइनस लैम्डा, देख लीजिए ए बी सी का मान आ गया, इसको उठा के यहां समीकरण एक में रखेंगे, ए की जगह कितना है माइनस टू लैम्डा एक्स माइनस वन, प्लस बी की जगह कितना है माइनस थ्री लैम्डा, तो माइनस माइनस और वाई माइनस वन, प्लस सी की जगह पर थ्री लैम्डा जेड माइनस। क्लियर, इस ए बी सी के मान को हमने उठा के रख दिया। क्लियर, अब इसमें सॉल्व करते समय क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना, अब ये रखेंगे पूरा ओपन करें, तो अगर हम पूरा ओपन करने चलेंगे तो दिक्कत होगी। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि लैम्डा तीनों जगह, तो सबसे पहले लैम्डा को बाहर कर लीजिए, और अगर लैम्डा को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री वाई माइनस वन प्लस थ्री जेड माइनस वन इज इक्वल टू। क्लियर, लैम्डा को इधर भेज देंगे जीरो पॉइंट लैम्डा जीरो, लैम्डा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो बात हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री वाई माइनस वन प्लस थ्री जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड और माइनस थ्री, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो उस फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको हम प्लस करना चाहे तो माइनस कॉमन ले लें। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए जैसे समीकरण लिखा था शायद मिस्टेक हुआ, अभी हमने आंसर मैच किया, तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण था गलती से हमने मान लिख दिया, यहाँ पर है जेड माइनस जीरो, तो जब जेड माइनस जीरो करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्लस थ्री था ये फिनिश हो जाएगा, तो ये थ्री हमारा कैंसिल आउट ना होकर ये रिमेन रहेगा, तो यहाँ पर प्लस टू की जगह क्या हो जाएगा फाइव, क्योंकि थ्री प्लस टू फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम कहें तो जैसे हमने कहा तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू, या हम इसको